स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम बहुत ही कम टाइम में एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक इंडेक्स पर बात करने जा रहा हूं और वो इंडेक्स है नवाचार सूचकांक। नवाचार सूचकांक आप कह सकते हो इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स, अब ये जो इनोवेशन इंडेक्स है, पहली बात तो इनोवेशन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, नव आचार, नए विचार, नए विचारों को जो प्रोत्साहित करता है वो है। इसमें विभिन्न प्रकार के राज्यों की श्रेणियां बनाई गई है और एक सूचकांक जारी किया गया है जिसके तहत ये बताया गया है कि नवाचार में सबसे आगे कौन सा है। और ये जो नवाचार सूचकांक है ये 2022 का है। और तीसरा नवाचार सूचकांक है, इसका मतलब ये है इससे पहले दो नवाचार सूचकांक जारी किए जा चुके हैं। ये जो जारी हुआ है अभी जुलाई 2022 में और ये नीति आयोग के द्वारा जारी हुआ है। नीति आयोग इसके द्वारा जारी हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी इंडेक्स की। यदि कोई इंडेक्स आपसे पूछा जाता है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यह इंडेक्स जारी किसने किया है। यहां नीति आयोग के बारे में मैं थोड़ी सी बात आपसे जरूर करना चाहूंगा, हालांकि काफी बार कर चुका हूं। एक तो इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए डिटेल तो हम कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हैं तब करते हैं, और वैसे मैंने इसकी डिटेल मेरे पीछे वीडियो आप देखोगे तो उसके अंदर आपको मिल भी जाएगी। नीति आयोग, एक तो पूरा नाम ध्यान रखना है और लेटेस्ट में इसके बारे में जो न्यूज है हमारे सामने, देखिए ये तो क्लियरली होती है कि इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। एक इसका उपाध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमन बेरी अभी बने हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, एक दो महीने पहले की बात है ये। और एक इसके सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये 1 जुलाई से ही बने हैं, परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग के संबंध में ये आपको जानना बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। डिटेल बहुत सारी होती है इसकी, हम पहले भी कर चुके हैं इसके बारे में, ये आप ध्यान रखें। फिलहाल मैं नवाचार सूचकांक पर बात करूंगा कि इन्होंने किस तरीके से कैटेगराइज किया है, तो एक बार आप इस को नोट करें। आइए देखिए, इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है। एक तो है प्रमुख राज्यों की श्रेणी, दूसरा पूर्वोत्तर राज्य व पहाड़ी क्षेत्र के राज्य जो पहाड़ी एरिया के जो राज्य होते हैं, आप एक तरीके से पिछड़े कह सकते हो, उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई है, और जो प्रमुख राज्य है उनकी अलग कैटेगरी बनाई है, और एक केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी है, यूनियन टेरिटरी आप कह सकते हो इसको। अब आपने इसके अंदर ज्यादा ध्यान नहीं देना, देखो जब ज्यादा ध्यान देना होगा तो अपने आप आपको बता दूंगा, आप इसके अंदर ज्यादा दिमाग ना लगाएं, जो बता रहा हूं उसको ढंग से कर लीजिए आप। जैसे हम इसकी बात करें, इसमें टॉप पर कौन रहा आपको ये ध्यान देना है। प्रमुख राज्यों में बात करें तो कर्नाटक रहा सबसे टॉप पर, कर्नाटक रहा, और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करूं तो मणिपुर सबसे टॉप पर रहा।
और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो चंडीगढ़ टॉप पर रहा। ये है तीन, इनको ध्यान रखें। और इनमें भी आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, पुराने पेपर जब देखते हैं तो हमें इन्हीं के बारे में जानकारी मिलती है। ये आपकी क्या है, जो भी स्मार्ट तैयारी होती है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आपको किस एंगल से इसको सोचना है, प्लस आपका एंगल कौन सा मजबूत होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? देखो बहुत सारी लिस्ट है, इसको YouTube वगैरह पे देखोगे तो, PDF पे देखोगे तो लिस्ट भरी पड़ी है। ये ज्यादा नहीं करना आपने, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि नवाचार सूचकांक में सबसे पहले नंबर पर कर्नाटक है। बाई चांस यदि आपको तंग करेगा तो इस स्थिति में आ सकता है कि पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी क्षेत्रों के राज्य में किसका है, तो मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है, वैसे ज्यादा यही आता है, तो ध्यान रखें। एक बार आप इसे नोट कर ले। अब मैं एक यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहा हूं, वो है गतिशील विश्वविद्यालय, सॉरी गतिशक्ति, माफ करूंगा, गतिशक्ति विश्वविद्यालय। काफी इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। पहली बात तो इसको कहां स्थापित किया जा रहा है, ये काम की बात है। पहला तो ये पॉइंट बनता है कि इसको स्थापित कहां किया जा रहा है। इसको जो स्थापित किया जा रहा है, भारतीय रेलवे एकेडमी में स्थापित किया जा रहा है, भारतीय रेलवे एकेडमी यहां पर स्थापित किया जा रहा है, ये वडोदरा में है, गुजरात में पड़ता है। तो एक तो क्वेश्चन आपके ये बन जाता है कि भारतीय रेलवे एकेडमी कहां है, वडोदरा गुजरात में, वहां पर ये गतिशक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ये जो गतिशक्ति विश्वविद्यालय है ये किससे संबंधित है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। अब देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सड़क निर्माण हो गया, नहर निर्माण हो गया, पुल निर्माण हो गया, ये इस रेल की पटरियों का निर्माण हो गया, ये इससे संबंधित यहां पर काम किया जाएगा। गतिशक्ति विश्वविद्यालय है ये वडोदरा गुजरात में, जो भारतीय रेलवे एकेडमी है वहां पर इसको स्थापित किया गया है। एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों आज हमने बहुत कम समय में दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। स्मार्ट तैयारी करें, आगे बढ़ते जाएं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और स्मार्ट तैयारी के माध्यम से, ये बार बार आपको कह रहा हूं, और ये आपके लक्ष्य निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, आप सभी को मेरा नमस्कार।